लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भारी बारिश से मुंबई जलमग्न, ट्रेनें यातायात बुरी तरह प्रभावित, स्कूल कॉलेज बंद। सोमवार सुबह से हो रही तेज बारिश से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे शहर में भारी जलभराव की समस्या हो गई है। कई जगह पानी भर गया है। बारिश को देखते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। कलावा रेलवे स्टेशन का ट्रैक पानी में डूब गया। इसके बाद यहां लोकल ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया है। वहीं वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेनें 5 से 7 मिनट और सेंट्रल और हार्बर लाइन पर 10 से 15 मिनट तक लेट चल रही हैं। मुंबई के दादर, सायन, माटुंगा, बांद्रा, खार, सांता क्रूज, कांदिवली, बोरीवली और कोलाबा सहित कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई से अगले 48 घंटों तक के लिए मुंबई और उपनगरीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में बीती रात से जारी भारी बारिश के कारण नाला सोपारा में रेलवे ट्रैक पानी से भर गया है। इस कारण अपलाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है, जबकि अन्य 3 लाइनों पर भी ट्रेनें काफी धीमी चल रही हैं। ये भी पढ़े, मुंबई में नहीं थम रही बारिश, अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में कोलाबा 170.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस सीजन की सबसे अधिक है। उधर दहाड़ में सुबह 5:30 बजे तक 308 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। विभाग के मुताबिक सोमवार शाम को बारिश के तेज होने की संभावना है। साथ ही अगले 24 से 48 घंटों में यह और भी भारी हो सकती है। पश्चिम रेलवे ने एक बयान जारी कर कहा कि बड़े पंप लगाकर दादर, माटुंगा रोड, गोरेगांव और अन्य स्थानों पर ट्रैक से पानी निकालने का काम चल रहा है।